नेपा नगर थाने पर 7 अप्रैल की रात हमला कर पुलिस अभिरक्षा में बंद 3 फरार अतिक्रमणकारियों को छुड़ाकर ले जाने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 50 से अधिक अतिक्रमणकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरार आरोपी हेमा मेघवाल और फुल सिंह के साथियों ने 7 अप्रैल की रात नेपा नगर थाने पर हमला कर 3 फरार अतिक्रमणकारियों को कराया था मुक्त। तभी से पुलिस सभी आरोपियों की कर रही थी तलाश। लगभग 18 दिनों से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार चलाया जा रहा था सर्च ऑपरेशन। पुलिस द्वारा लगातार जंगलों में दबिश देकर फरार 17 आरोपियों को अब तक किया जा चुका था गिरफ्तार। मुख्य आरोपी हेमा मेघवाल और फुल सिंह चल रहे हैं फरार, जिन्हें पुलिस द्वारा जल्द गिरफ्तार करने की कही बात एसपी राहुल लोढ़ा ने की पुष्टि। सर बताएं कि क्या आज कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई और कौन कौन मुख्य लोग इसमें गिरफ्तार हुए? अभी जो है वो नेपा नगर थाने पे हमला जो हुआ था उसके अंदर लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी आज बाखड़ी से पुलिस ने की है, और हमारा प्रयास है कि उसके अंदर और भी जो मेन आरोपी है उनकी भी हमें सूचना मिल गई है और उनके लिए भी टीम भेज दी गई है, और उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और आज ही हम लोग उसको जेल में भेज करें। सर इसमें जो इनामी बदमाश थे हेमा मेघवाल और फूल सिंह, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है? उनके लिए हमारी टीम गई हुई है और बाकी जो मन्नू और बाकी लोग हैं उनका वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो मेन आरोपी है उसके लिए अभी टीम गई है, उसको भी गिरफ्तार करके हम लोग थोड़ी देर में लेके आ जाएंगे। प्रयास हमारा है कि आज ही आज में हम सभी की गिरफ्तारी करके और आज कोर्ट में भेज करें। सर इनसे कुछ हथियार या कोई दूसरी सामग्री भी बरामद हुई है क्या? कुछ सामान तो हमने बरामद किया है, बाकी अभी इन लोग गिरफ्तारी करके मेमोरेंडम के आधार पर भी कहाँ कहाँ पर इन्होंने सामान रखा था, जब हमें थाने पर हमला हुआ था तो जो जो हथियार इनके पास में थे वो हथियार कहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं तो वो भी जब्त करेंगे और प्रॉपर कोर्ट में पेश करके और उनका जो है वो जेल रिमांड बनवाया जाएगा। Thank you.